नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मात्राओं के बारे में, इंग्लिश में किस तरह से मात्राएं का यूज़ करते हैं, मात्राएं कैसे लगाते हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें जिससे आगे आप अच्छी तरह से आप समझ सकें। मात्राओं के लिए इसमें क्या होते हैं, स्वर होते हैं, इनके वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इन स्वर से ही हम मात्रा बनाते हैं। अब जैसे हिंदी में हमने कभी पढ़ा होगा, 12 खड़ी होती है हिंदी में, कक्का किक्की कुक्कू केकई कोकऊ कंका। तो इसी तरह से हमने अंग्रेजी में भी एक ये फॉर्मूला इजाद किया है, फॉर्मूला निकाला है कि इसको हम उसी 12 खड़ी ना बोल करके पंच खड़ी में इसको हम चेंज कर देते हैं। पंच खड़ी से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, यानी कि जैसे वो रट्टा मार करके उसको सीख जाते थे बच्चे, तो इससे भी हम उनको सिखा सकते हैं। हालांकि रट्टा मार जो विधि है अब इतनी कामयाब नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने शुरुआती जो वो होता है, हम स्टेज होती है बच्चे की, तो उसमें हमें इसी तरह से सिखाना पड़ता है। बिना रटे तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा उनको ये चीज़ हमें करानी पड़ेगी जिससे कि वो समझ जाए। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमने ए स्वर है जो ए वोवेल है, इससे हमने मिलाया बी को, तो बी ए से बन गया ब, ब बे बी बो बा, का के की को का, डा डे डी डो डा, फा फे फी फो फा, गा गे गी गो गा, हा हे ही हो हा, जा जे जी जो जा, का के की को का, ला ले ली लो ला, मा मे मी मो मा, ना ने नी नो ना, पा पे पी पो पा, क्वा क्वे क्वी क्वो क्वा। तो इसी तरह से बच्चों को सिखाया जा सकता है, जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, सबको वोवेल से जोड़ करके उनको मात्राओं का ज्ञान कराया जा सकता है। र रे री रो रा, सा से सी सो सा, टा टे टी टो टा, वा वे वी वो वा, वा वे वी वो वा, जा जे जी जो जा, या ये यी यो या, जा जे जी जो जा। ये बताना चाहूँगा कि मैं जो जेड होता है वो जा की आवाज़ नहीं निकालता, ज की आवाज़ निकालता है। तो इस बात से थोड़ा सा ये चीज़ समझ लीजिए, और ये बच्चों को भी अच्छे से करानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम जो वोवेल्स हैं उनसे मात्राओं का ज्ञान बच्चों को करा सकते हैं। जब बच्चों को मात्राओं का ज्ञान हो जाता है तो फिर आसान हो जाता है उनको अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाना। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसमें कितना अच्छा हो सकता है ये भी आप बताएं कमेंट करके। कहीं पे कोई इसमें अगर कमी रह जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो वो भी आप कमेंट में बताएं, जिससे कि मुझे पता चल सके और सुधारने का मौका मिल सके। थैंक यू।